गुड मॉर्निंग गाइस, सदर बाजार के हमारे एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। सदर बाजार एक ऐसी मार्केट है दिल्ली की जिसको हर कोई पसंद करता है। पसंद करने के बहुत सारे रीजन, एक तो बहुत सस्ती है, हर चीज आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया रेट पे मिल जाती है, डिजाइन बहुत सारे होते हैं, और स्पेशली वो लोग जिनको अपना कुछ काम शुरू करना बट बजट ज्यादा नहीं है, उन लोगों के लिए परफेक्ट मार्केट है। कॉस्मेटिक में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, साथ ही में अगर घर के लिए क्रॉकरी की शॉपिंग करनी है तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। जैसे आप मार्केट में घुसोगे ना, इतने ऑप्शन आपको ज्वेलरी में नजर आएंगे कि आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कौन से ले कौन से ना ले। बट इनका प्राइस बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। 350 रुपए की रेंज में आपको बहुत ही अच्छे नेक पीस मिल जाते हैं, पार्टी वियर रहते हैं जो कि पहनने के बाद काफी अच्छे लगते हैं। क्लचर्स की अगर मैं बात करूँ, 30 रुपीज में आपको क्लचर मिल जाएंगे। अगर आप पूरा कार्ड लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, सिंगल सिंगल पीस वही 30-40 का रहता है, और नॉर्मली यही सेम चीज आपको 100 रुपीज की शॉप पे मिलती है। इतना ज्यादा डिफरेंस है। मंगलसूत्रों में बहुत ज्यादा वैरायटी थी, चाहे फिर वो आपकी मटका गली हो, प्रताप मार्केट हो, नॉर्मल सदर बाजार वाली मेन गली हो, आप कहीं पे भी खड़े हो 120 रुपए की रेंज में आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। प्लेन चेन से लेके डिजाइनर चेन तक के ऑप्शन इनके पास रहते हैं। सेम चीज मंगलसूत्रों के साथ भी रहते, 120 रुपए दर्जन इनका प्राइस था। इसमें आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे, वैरायटी काफी अच्छी रहती है इनके पास, और सारी चीजें बल्क के हिसाब से होती है तो उनके प्राइस भी उतने ही ज्यादा सस्ते होते हैं। इसीलिए एक प्रॉपर मार्केट अगर आप ढूंढ रहे हो ना अपने स्टार्टअप के लिए, सदर बाजार परफेक्ट मार्केट है। 10-10 रुपए के ये पैक है, कोई भी उठा सकते हो आप। अगर आपका खुद का बुटीक है तो आपके लिए बहुत काम की चीज है, चाहे फिर वो रबड़ बैंड हो या फिर निडल्स हो, सुइयां भी आपको बहुत अलग अलग साइज में मिल जाएगी। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही काम की मिलती हैं। 50 रुपीज की रेंज में ये नेक पीस सेट मिलेगा, काफी सही डिजाइन मेरे को नजर आए, बीड्स में थे। अगर आप किसी नॉर्मल पार्टी में जा रहे हो, कैजुअल काइंड ऑफ फंक्शन है, तो वहां पे आप इनको पहन सकते हो। 350 रुपीज की रेंज में चूड़े थे, चूड़े मुझे काफी पसंद आए, पार्टी वियर चूड़े थे, आप किसी भी फंक्शन में इनको इजिली पहन सकते हो। और प्राइस देखिए 350 की रेंज में कितनी ज्यादा वैरायटी थी। यही खासियत है सदर बाजार की चीजें काफी सस्ती अच्छी मिलती है। अगर आपको डिजाइनर मंगलसूत्र लेने हैं ना, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, उनके प्राइस भी ज्यादा नहीं होते, 30-40 रुपीज सिंगल पीस होता है, और बल्क में लोगे तो और सस्ता। 120 रुपए की जैसे मैंने आपको बताया था चेन वेन मिल जाती है, मंगलसूत्र मिल जाते हैं, ये वैरायटी है वो 120 वाली। 180 के भी ऑप्शन रहते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने का लेना है। इयररिंग्स में देखिए कितने ज्यादा ऑप्शन थे 30-40 रुपीज की रेंज में। प्रभात स्टोर के जस्ट अपोजिट भैया खड़े हुए थे। तो सदर बाजार में आप जाओगे ना, इतनी ज्यादा गलियां हैं, इतने ज्यादा ऑप्शन है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कहां से क्या लूं। पर कंफ्यूज नहीं होना है, हर जगह सेम चीज मिलेगी, प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं, नहीं तो पूरी मार्केट सेम प्राइस रेंज पे चल रही होती है। अगर आपको अपने लिए कड़े लेने हैं ना, तो 380 रुपए का पूरा बॉक्स मिल जाता है, 2 से लेके 6 साइज तक के इसमें कड़े रहते हैं, इनके पास बहुत सारे डिजाइन भी होते हैं, तो काफी अच्छे ऑप्शन में आपको अलग अलग प्राइस रेंज पे यहाँ पे कड़े भी मिल जाएंगे। कुछ कुछ ऑप्शन 300 रुपए के थे, कुछ कुछ 400 रुपए के थे, और जो एक कंटेनर्स में थे ये 100-120 रुपीज की रेंज में थे, पर इनकी गारंटी थी, मुझे बहुत सही लगे। अगर आपको पूरा बॉक्स लेना है ना, तो आप सोचो आपको बॉक्स सस्ता पड़ेगा, पूरा 600-700 रुपए का बॉक्स पड़ जाता है, पर अच्छा बॉक्स होता है, काफी बढ़िया डिजाइन होते हैं। 40 रुपीज से इनके पास कड़े मिलना शुरू हो जाते हैं, अप टू 100 रुपीज तक के थे। अगर आपको फाइल फोल्डर चाहिए ना, ये नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स लगाने के काम पे आती है, 100 रुपए की फाइल थी, काफी अच्छी थी, नंबर ऑफ लीव 20-25 के अराउंड थे, तो आप ऐसे फोल्डर्स भी ले सकते हो। अगर आपको फोल्डर्स की रिक्वायरमेंट है ना, तो ये बहुत काम की चीज है, और यहाँ पे सबको बहुत ही ज्यादा अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएंगे, हर किसी के जरूरत की चीज मिलती है। 30-30 रुपए में चूड़ियां मिल जाती है, चाहे फिर वो मेटल की चूड़ियां हो, कांच की चूड़ियां हो, हर तरीके की चूड़ियां बहुत ही सस्ती मिलती है। देखिए कितने सारे ऑप्शंस थे, ये सब आपको किसी शॉप पे नहीं मिलेंगे, रोड साइड पे ही मिलेंगे, क्योंकि शॉप पे अगर आप जाओगे आपको बल्क में शॉपिंग करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। हर शॉप में यही रहता है कि बल्क के लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है। डीओ वगैरह 150 रुपीज की रेंज में थे, मैंने कभी यूज नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है, बट ये ओरिजिनल नहीं होते इतना मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने सुना भी है, बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करके बताया भी है। जब भी आप किसी भी कोई भी ऐसी चीज लो जो कॉस्मेटिक
कॉस्मेटिक रिलेटेड हो, परफ्यूम, शैम्पू, हमेशा एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग जरूर देखना, चाहे कुछ और देखो या ना देखो। कंघी आपको 30 रुपीज की मिलेंगी, कॉम आपको 60 रुपीज के मिलेंगे। और कॉम में देखिए कलर कितने ऑप्शन थे। नेल कटर आपको ये वाला 20 रुपीज का सिंगल पीस पड़ेगा, इसकी क्वालिटी अच्छी थी। वैसे तो 5 रुपए के भी नेल कटर होते, 10 रुपए के भी होते, पर डिपेंड करता क्वालिटी पे। कॉम आपको 60 रुपीज में मिल जाएगी, कलर काफी अच्छे थे, डिजाइन भी बहुत सारे रहते हैं। बैग वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो 100-100 रुपए में सदर बाजार में बैग मिलना शुरू हो जाते हैं। इनकी क्वालिटी थोड़ी सी लाइट वेट होती है, तो आप अपने लिए अगर बैग लेना चाह रहे हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे क्लचेस वगैरह में भी ऑप्शन होते हैं, स्लिंग बैग में भी ऑप्शन होते हैं, बैकपैक्स भी आपको यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो इतनी सारी वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ना। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप किसी सस्ती मार्केट में जाओगे तो पॉकेट फोन का जरूर ध्यान से संभाल के रखना। यहाँ पे बहुत चोरियां होती है, 20-20 रुपए में एक दर्जन राखियां मिल रही है, क्योंकि अभी राखी का त्योहार बहुत पास है, 15 दिन बचे हैं, और आपको इतनी ज्यादा वैरायटी राखियों में देखने को मिल जाएगी। 10-10 रुपए के कार्ड थे, नॉर्मली आपको ज्यादा वैरायटी 10-20 रुपए में देखने को मिलेगी। बाकी आपके पॉकेट के ऊपर है कि आप कितने पैसे लगाना चाहते हो, किस तरीके की आप राखी लेना चाहते हो। देखिए वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको भी अपने शॉप के लिए शॉपिंग करनी है तो अब भी वक्त बचा है, आप आ सकते हो। 300-350 रुपीज का कलेक्शन था ये। ऐसे ही आपको बहुत जगह नजर आएंगी जहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, अच्छी होती है, बट ऐसा नहीं होता है कि सारी चीजें 350 में, कुछ कुछ ऑप्शन 400-500 रुपीज की रेंज में भी होता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द डिजाइन, कि डिजाइन कैसा है, कैसी क्वालिटी है, कैसी वैरायटी है। यही एक खासियत है सदर बाजार की, सस्ते से सस्ते महंगी से महंगी चीज मिल जाती है। 30 रुपीज की रेंज में 50 रुपीज का मिलने वाला क्लचर यहाँ पे मिल जाता है। 30 रुपीज में जो जूड़ा पिन होती है वो मिल जाती है। तो मुझे यहाँ की कोरियन हेयर एसेसरीज बहुत पसंद आती है, काफी अच्छी वैरायटी होती है, क्लचर्स में आपको काफी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। तो ओवरऑल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो हेयर एसेसरीज, मेकअप आइटम, वैसे आपको आर्टिफिशियल हेयर चाहिए है तो यहाँ पे काफी सही वैरायटी रहती है। ब्राइडल ज्वेलरी से लेकर नॉर्मल ज्वेलरी में आपको काफी ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगी। साड़ी पिन चाहिए है ना, 30-30 रुपीज में साड़ी पिन मिलेंगी जिसमें 6 पिन रहती है। तो आपको ना ऐसी डिजाइनर चीजें यहाँ पे काफी सही मिल जाती है। और बल्क के प्राइस हमेशा रिटेल के प्राइस, जो नॉर्मल सिंगल पीस के प्राइस होते हैं, उनसे काफी ज्यादा डिफरेंस में होते हैं। तो आप ये मत सोचना कि अगर आप बल्क में लोगे तो यही सेम प्राइस रहेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्राइस अलग रहते हैं पर चीजें काफी अच्छी मिलती है। वैरायटी आपने खुद देखा ना पिन्स में कितनी थी, और साड़ी पिन में इतनी ऑप्शंस है, तो आप सोचो और चीजों में कितनी ज्यादा वैरायटी होगी। तो यही एक फर्क है नॉर्मल मार्केट और सदर बाजार में। नेक पीसेस आपको हर जगह मिलेंगे, कहीं पे भी किसी भी गली में चले जाना, 350-400 वाली वैरायटी तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। डिजाइन इतने प्यारे होते हैं ना कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है, यार कौन सा लू कौन सा ना लू। स्पेशली लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि जब भी आप किसी भी शॉपिंग की ऐसी मार्केट में जाते जहाँ पे चीजें सस्ती मिलती है, तो हम लड़कियां ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं आता कौन कौन सा ले कौन कौन सा छोड़े। किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कि हम किसी सस्ती मार्केट में गए हो और जाके कंफ्यूज हो गए कि ये ले या ये ले या दोनों ले ले। ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार होता है। अगर आपको नेक पीसेस पसंद आ रहे हैं, क्योंकि एडी में थे सबके प्राइस अलग अलग थे, 350-400 रुपीज की रेंज में थे, नॉट मोर देन 400, बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। चाहे आप वेस्टर्न के साथ पहनो या इंडियन के साथ पहनो। चूड़ियों की अगर मैं बात करूँ तो चूड़ियों में भी कुछ कम वैरायटी नहीं थी, चाहे फिर वो आपके चूड़े हो, नॉर्मल प्लेन चूड़ियां हो, कांच की चूड़ियां हो, मेटल चूड़ियां हो, हर तरीके की वैरायटी रहती है। अभी मैं इन कंटेनर्स की बात करूँ तो ये 75 रुपीज का था, और इसमें भी ऑप्शंस थे 4 कड़ों के, 8 कड़ों के और 6 कड़ों के, डिजाइन टू डिजाइन सब कुछ वेरी कर रहा था। 30 रुपीज में बहुत ही अच्छे क्लचर्स आए थे, कुछ कुछ पीस इनके पास 50 रुपीज के भी थे। जिनका साइज बड़ा होता है उनका प्राइस 50 हो जाता है, और जो चीज यहाँ पे 50 की मिलती है वो नॉर्मल मार्केट में 80-100 रुपीज की मिलती है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस रहता है दोनों मार्केट्स में, और आप कंपेयर भी करके देख सकते हो कि आपकी शॉप पे जो नॉर्मल सिटी की शॉप है उस पे एक क्लचर कितने का मिलता है और यहाँ पे कितने का मिलता है। हेयर बैंड में भी काफी अच्छी वैरायटी थी, और अगर आपको क्लिप वगैरह चाहिए तो क्लिप में भी काफी अच्छे ऑप्शंस थे, स्टड में काफी अच्छे ऑप्शंस थे। मुझे क्लचर्स तो बहुत ही ज्यादा पसंद आए। 60 रुपीज की रेंज में हेयर क्लिप्स थी, उसमें भी आपको इतनी वैरायटी देखने को मिल जाएंगी। 60 रुपए में पूरा कार्ड मिल जाता है, आप इनको इजिली 20 रुपीज का सिंगल पीस करके सेल कर सकते हो। डिजाइन में कोई कमी नहीं होती है, आपको बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन देखने को मिल जाएंगे।
प्लास्टिक में, मेटल में बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। तो अगर आपको भी एक स्मार्ट शॉपिंग करनी है, सस्ती शॉपिंग करनी है, बट आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए क्या करे, तो आप सदर बाजार आओ, टाइम निकाल के आओ। संडे वाले दिन लगती है मार्केट, कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बाय मेट्रो आप इजिली इधर तक आ सकते हो। लटकन वटकन हर कोई लेता है, बिकती भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली शादियों का जब सीजन आ जाता है ना तब तो बहुत ही ज्यादा बिकती है। और वैरायटी देखिए कितनी ज्यादा अच्छी थी, 120 रुपए की एक दर्जन मिलना शुरू हो जाती है, अप टू 560 तक के इनके पास लटकन होती है। जो 560 वाला पेयर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, बहुत बड़ा होता है और वो लहंगो वहंगो पे ज्यादा लगता है। अगर आपको नॉर्मली चाहिए है ना एक एक दर्जन, तो ये सब 380 रुपए दर्जन, 460 रुपए दर्जन वाली वैरायटी है, बट इसमें भी ऑप्शंस है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इससे आइडिया भी मिलता है कि सदर बाजार किस तरीके की मार्केट है, क्या क्या चीजें मिल जाती है, और अगर आपको क्वांटिटी छोटी लेनी है तो वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन भी लोगों के दिमाग में बहुत चलता है। तो ऑफकोर्स अगर आप संडे वाले दिन भी आओगे ना तो आपको पटरी मार्केट के साथ साथ शॉप भी एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगे। और सेम कंटेनर ये वाले थे जिनका प्राइस 75 था, तो आप खुद आइडिया लगा लो, हर जगह आपको कंटेनर्स में चूड़िया कड़े मिलेंगे जिनका प्राइस सिमिलर रहता है, दो लेते हो तो आपको 150 मिल जाता है। और कई कई जगह ना आप नोटिस करोगे कि सेम कंटेनर जो आपको 75 रुपीज में कोई दे रहा होगा ना, दूसरा बंदा वही सेम कंटेनर आपको 100 रुपीज में भी चेप देगा। ऐसे ऐसी चीजें मार्केट में बहुत होती है। ये कोरियन क्लिप कितनी ज्यादा चल रही है यार, लोगों को पसंद भी बहुत आ रही है। 50-60 रुपीज की रेंज में होती है बट काफी अच्छी होती है। 20 रुपीज में बच्चों के लिए क्लिप थी, ये वाला 30 रुपीज का पेयर था। पिछले वाले जो छोटे छोटे क्लक्चर्स थे ना वो 35 रुपीज का था, ये सिंगल वाला 20 रुपीज का। तो मुझे बच्चों के लिए जो हेयर एसेसरीज यहाँ पे मिलती है ना बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। हर हफ्ते जाओगे ना कोई नई डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और क्वालिटी वाइज तो पूछो मत, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी होती है, कहने को चाइनीज है बट इनकी ना जो फिनिशिंग होती है, जो आप देखोगे ना डिजाइन ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और ये सब चाइना का माल होता है पर बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। तो आप जब भी सदर बाजार जाओ ना तो अपना माइंड मेकअप करके जाना, घर से सोच के जाना क्या लेना है, कैसे लेना और कितने तक का लेना है। ऐसा नहीं है कि सस्ता देख के सब कुछ ले ले, ये वाली चीज नहीं करनी है। पहले चीज को खरीदो, थोड़ा खरीदो, यूज करके देखो, अच्छी लगे तो नेक्स्ट टाइम जाके ले लेना। और जो लोग दूर से आए हैं वो थोड़ा थोड़ा करके ही ले, अगर कोई चीज खराब निकली आपको पसंद नहीं आई घर जाके तो आप दोबारा चेंज कराने नहीं आ सकते हो। 30 रुपीज में थे वो सारे बैंगल जो मैंने आपको दिखाए, चेन आपको अलग अलग प्राइस मिलेंगे, कोई 280 रुपए दर्जन थी, कोई 360 रुपए थी, और सबके अलग अलग डिजाइन थे। मंगलसूत्र में भी सेम चीज रहती है। सिंगल पीस की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल आपको 30-40 रुपीज में बहुत ही ज्यादा अच्छे वाला पीस मिल जाता है। तो आपको बार्गेनिंग भी करनी पड़ती है, ये लोग ज्यादा बार्गेनिंग तो मैं नहीं कहूंगी कि करते हैं, बट हाँ ऐसा है कि कर लेते हैं और आपको अच्छे रेट पे चीजें मिल जाती है। चेन वेन में देखो, आपने खुद देखा ना कितनी वैरायटी थी, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाया, मिड में भी दिखाया, और अब एंडिंग में भी आपको दिखा रही हूँ। एडी वाली जो ब्रेसलेट है ना, ये 80 रुपीज का सिंगल पीस था, आपको आराम से इसको 150 रुपीज में अपने शॉप पे निकाल सकते हो। कुछ कुछ ऑप्शन थे इनके पास एडी में जो 70 रुपीज में थे, तो मुझे इनके ब्रेसलेट भी बहुत पसंद आए। पार्टी वेयर चीजें काफी ज्यादा अच्छी थी, क्राउन्स वगैरह में बहुत ऑप्शन थे, 100 रुपीज की रेंज में तो बहुत ही ज्यादा ऑप्शन थे। वैसे जो इनिशियल प्राइस था, स्टार्टिंग प्राइस था, वो 60 रुपीज था। तो मुझे तो यहाँ पे चीजें सारी ही पसंद आती है। आप कुछ भी चाहिए है ना और नहीं मिल रहा, आप सदर बाजार उठ के आ जाओ, आपको कहीं ना कहीं वो चीज जरूर मिल जाएगी। कड़े देखो कितने सुंदर है, ये भी 75 रुपीज का पेयर था, मुझे बहुत पसंद आए। इसमें भी कलर काफी अच्छे थे, तीज पे लोग इस तरीके की चूड़ियां पहनना पसंद करते हैं, कड़े ही पहनना पसंद करते हैं, लोग कड़ों को काफी ज्यादा अच्छे से चूड़ियों के बीच में लगा के पहनते हैं। तो अगर आपको भी कुछ ऐसे ऑप्शन चाहिए तो आप सदर बाजार आ सकते हो। रोड साइड पे आपको फिर से शैम्पू नजर आ जाएंगे, क्योंकि लोग ना जगह जगह बैठे होते हैं, 150 रुपीज की रेंज में, 60 रुपीज में वीट दे रहे होते, 60 रुपीज में फेयर एंड लवली का पैक दे रहे होते जो कि कॉपी होती है, ओरिजिनल नहीं होते। आप स्पेलिंग देखोगे ना तो स्पेलिंग में, आर्टवर्क में बहुत डिफरेंस रहता है। ट्रिस्मेकर शैम्पू वैसे तो देखो श्रिंक रैप है बट ये ओरिजिनल नहीं है, मैं देख के बता सकती हूँ कि ये ओरिजिनल नहीं थे, सिर्फ श्रिंक रैप था। श्रिंक रैप कोई भी कर सकता है, 150 रुपीज इनका प्राइस है। अभी देखो हिमालय का आपको फेस वॉश नजर आ गया, पार्क एवेन्यू का डीओ था, निविया का डीओ था। तो आपको इस तरीके से बहुत सारे ब्रांड देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें बैग्स की तो 100 रुपीज और 150 रुपीज की
रेंज में आपको टॉट बैग मिल जाते हैं। ये वाली जो बैग थे ना, ये आपको 100 रुपीज की रेंज में मिल जाएंगे। 100-100 रुपए में लाइट वेट वाले बैग यहाँ पे इजिली मिलते हैं। क्वालिटी इनकी थोड़ी सी हल्की होती है, बट लेने वाले लेते भी हैं, बेचने वाले बेचते भी है। कोई शॉप के लिए ले रहा होता है तो कोई पर्सनल यूज के लिए ले रहा होता है। तो हर तरीके की चीजें यहाँ पे मिलते हैं, रोड साइड पे ही मिलते हैं। शॉप को एक्सप्लोर करने की अगर आप संडे मार्केट आए हो ना, तो आपको जरूरत ही नहीं फील होगी। रोड साइड इतने ऑप्शन रहते हैं। क्रॉक्स किसको पसंद है, हर किसी को पसंद होते हैं। 100 रुपीज की रेंज में काफी सही फुटवेयर मिल जाते हैं, जिसमें क्रॉक, नॉर्मल टॉप, नॉर्मल जो आपकी चप्पलें रहती है वो रहती है। वाटर बॉटल में भी मेरे को ऑप्शन देखने को मिले। वाटर बॉटल के अगर मैं ऑप्शन की इन वालों की बात करूं, तो ये आपको 150 रुपीज की बॉटल मिलेगी। इसमें भी कलर ऑप्शन थे। 100-150 रुपीज में यहाँ पे काफी सही बॉटल मिल जाती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो में जो कंटेंट हमने दिखाया आपको कैसा लगा।